नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। शनिवार का दिन पूरे तरीके से सागर जिले में दिग्विजय सिंह के नाम रहा, वही सुर्खियों में छा रहे। और हम आपको बता दें, वे 45 मिनट तक जेल में केंद्रीय जेल सागर में बंद कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते रहे। जी हां, दिग्विजय सिंह 4:18 पर सागर के केंद्रीय जेल में बंद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंचे। यहाँ उन्होंने डॉक्टर आनंद राय से भी मुलाकात की, भी करीब 45 मिनट जेल के अंदर रहे। शाम 5:08 पर दिग्विजय सिंह जेल के बाहर आए और यहाँ पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कर जेल में बंद कराया गया है। स्थिति यह है कि कांग्रेस कार्यकर्ता अंशुल परिहार 3 माह से जेल में बंद है, ना तो केस डायरी पेश की जा रही है और ना ही चालान लगाया जा रहा है। सुनिए जरा उन्होंने किस तरीके से अपने अंदाज में बातें कही हैं। ये चारों लोग वो है कि ऊपर कोई संगीन प्रकरण नहीं है, जो जो 4-4, 6-6 हत्या करने वाले तो टीवी देख रहे हैं और झूठे केस SC ST एट्रोसिटी एक्ट वाले जो हैं इनको वो भी नसीब नहीं हो रहा है। ये क्यों, ये भेदभाव क्यों? न्यायपालिका से राहत के लिए हमें पूरी उम्मीद है